सब अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे भी बच्चे रहते तो हम भी खुशी अपने बच्चों के साथ मनाते, लेकिन बच्चे नहीं तो हम खुशियाँ किस लिए मनाएं? इसलिए हम खुशियाँ नहीं मनाना चाहते हैं। हमारे लिए हमको जो है कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि पुलिस भी हमारा ही कहीं जो है कि हत्या करवा देगी या स्वयं जो है कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAR 24 न्यूज। दोस्तों हम इस समय हैं यूपी के गाजीपुर में और गाजीपुर जिले का ये जो शहर है आवास विकास कॉलोनी, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और देखिए बगल में जो रोड है रौजा के लिए जाता है और एक कॉलोनी है, और यहाँ पर हम इसलिए आए हुए हैं कि देखिए बगल में जो घर दिखाई दे रहा है ये वही, अब क्या मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो पीड़ित माँ बाप हैं जिनके दो बच्चों का पिछले 8 जुलाई को अपहरण कर लिया जाता है, और आज हो रहा है 24 अक्टूबर और पूरे देश में जो है दिवाली की धूम मनाई जा रही है। लेकिन ये परिवार है, आइए हम चलेंगे यहाँ पर, देखेंगे किस प्रकार ये परिवार क्या अपने लाल को खोने के गम में कितना पीड़ित है। और ये देखिए इस माँ का आंखें पथरा चुकी हैं, अब शायद इसमें आंसू ना आ रहे हों, और एक काली पट्टी बांध करके ये लोग बैठे हुए हैं। बाहर है यहाँ का न्याय प्रशासन और बाहर है यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का सिस्टम। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पूरा प्रदेश जो है भय मुक्त हो चुका है और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कहाँ गया आपका राम राज्य? यही राम राज्य है और यही बुलडोजर चल रहा है। जिस परिवार के दो दो औलाद आज 8 जुलाई से अपहरण कर लिए गए हों और वो भी नामजद किया गया, लेकिन अभी तक यहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर जू तक नहीं रेंगा। भैया मुझे शर्म ये आ रही है कहने के लिए कि ये पीड़ित परिवार अगर धरने पर बैठा तो इसको उठा करके ले जा करके कोतवाली में बंद करती है गाजीपुर पुलिस। बाहर है गाजीपुर पुलिस और यहाँ का सिस्टम, और नहीं तो इन लोगों को धमकाया जाता है कि बैठोगे तो तुम जानते नहीं हो, और कहते हैं लोग इनके लिए जो मदद अगर करता है एक सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल हैं और अरुण सिंह, अगर वो लोग इनके लिए आए तो इनको धमकाया जाता है कि जानते नहीं हो बोधवा जो है ना अपना काम नहीं करा पाता है तो तुम्हारा क्या कराएगा। अब बताओ यही साबित होता है कि यहाँ पर चलता है ओम नमः शिवाय और कमीशन खोरी, इसीलिए इनको डरा धमका करके इस तरह से कहते हैं। अभी पैसा फेंको ना, तुम्हारी ज़मीन खाली करानी है तो गाजीपुर पुलिस तत्पर हो जाएगी, घर का कब्जा दिलाना है तो तत्पर हो जाएगा, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ नहीं दिला सकता है। तो आइए अब हनुमान से हम जानते हैं, हनुमान जी अब क्या करने वाले हैं ये बताइए आप। अब तो सर जो है कि हाँ अब तो मजबूरी है, क्योंकि जो है कि 8 जुलाई को बच्चे जो है कि निकले और 26 सितंबर को जो है कि उनके गुमशुदा होने का ट्वीट किया जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है कि मिला हुआ है, और यहाँ पर जो है कि हम 23 दिन धरना करने के बाद बोधा जायसवाल जी समाज सेवी के सहयोग से जो है कि हम 23 दिन सरजू पांडे पार्क में बैठे धरने पर, और इसके बाद जो है कि अब हम सोचे कि जो है कि पहुँच जाएँ लखनऊ जो है कि, और पहुँचे भी कि हम अपनी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहें कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज में जो है कि जो राम राज आप कह रहे हैं इसमें बहुत से जो है कि अपराधी बड़े हुए हैं जो हमारे बच्चों को जो है कि अपहरण किए हैं और पुलिस प्रशासन तनिक भी सुन नहीं रहा है। तो हमको जो है कि वहाँ से रात्रि में जो है कि पुलिस यहाँ के एसपी और जो है कि लखनऊ के एसपी आपस में बात करके हमको 8 बजे रात को वहाँ से उठा लाते हैं। हम वहाँ से लखनऊ से हम किस प्रकार से इस पुलिस प्रशासन पर विश्वास रखें? अच्छा, कि 3 महीना होने को है और हमारे बच्चों को नहीं खोज पाया। आपको कब उठा करके लाए? हमको जो है कि 17 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर को हम पहुँचे यहाँ से, 17 अक्टूबर को अनशन पर बैठे और वहाँ से पुलिस हमको जो है कि उठा करके लाती है। हमको जो है कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि पुलिस भी हमारा ही कहीं जो है कि हत्या करवा देगी या स्वयं जो है कि कर सकती है। वाह रे भैया वाह, देखिए अगर पीड़ित परिवार जा करके लखनऊ में धरने पर इंसाफ के लिए बैठता है तो इनको शर्म आ रही है, हुजूर को शर्म आ रही है, क्योंकि जब बात
उनके आका के यहाँ पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी कारगुजारिशों का पर्दा खुल जाएगा। तो पर्दा को ढकने के लिए जा कर के गाड़ी से ला कर के घर पर छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके बच्चों को ढूंढने के लिए कोई भी समय नहीं है। बारे यहाँ का न्याय प्रशासन, तो हनुमान जी अब ये बताइए अब क्या करेंगे? अभी तो आज आपका 24 अक्टूबर हो रहा है, दिवाली है, दिवाली तो मनाएंगे नहीं, लेकिन अब दिवाली के बाद क्या करने वाले हैं? अब दिवाली के बाद कभी भी जो है कि हम ये डेट प्रशासन को नहीं देंगे कि हम कब आ रहे हैं, और कभी भी जाएंगे जो है कि और विधानसभा के सामने हम दोनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि हमारे आत्मदाह करने से पुलिस प्रशासन को शांति मिल जाएगा, एक केस का निस्तारण हो जाएगा, और जो भाई दयाद हैं जो धन के लिए हमारे बच्चों का अपहरण किए हैं उनको जो है कि धन मिल जाएगा। जबकि ये शंभू प्रजापति जो है ससुराल निवासी धामूपुर जो है कि पूर्व में अपने माता पिता को जो है काफ़ी प्रताड़ित किया, उसकी जो है कि FIR रिपोर्ट भी हमारे पास है, तो माता पिता से अपना जो है कि नहीं जो है कि हिस्सा लिया, आज हमारे पुत्रों को चुरा करके जो है कि अपहरण करा करके हमसे हिस्सा लेना चाहता है, और उस माता पिता को जो है कि मार पीट करके सिर फाड़ दिया, उसकी FIR हमारे पास है, पुलिस प्रशासन माननीय योगी जी जो है कि देख सकते हैं, गाजीपुर जिला प्रशासन देख सकता है, लेकिन क्यों देखेगा? ये तो पूरी तरह से जो है कि शंभू प्रजापति से संलिप्त है, SP हो चाहे DM हो, अधर्मी जो है कि है, यदि इसके पास धर्म रहता तो दोनों पक्ष को जो है कि एक जगह करके स्पष्ट कर लेता। तो इसलिए अब जो है कि हमको गाजीपुर ज़िले से जो है कि न्याय मिलना कठिन है, और जो है कि लखनऊ जो है कि पहुंच करके माननीय योगी जी से मिलेंगे, और नहीं तो फिर जो है कि अब किसी भी समय अब कोई समय नहीं देंगे, फिर जो है कि विधानसभा जा करके आत्मदाह करेंगे, फिर इसके बाद जो है कि अपन जीवन लीला समाप्त है, क्योंकि जो है कि ऐसे निरंकुश प्रशासन या सो जो है कि हम स्पष्ट रूप से इसमें जो है कि माननीय योगी जी को भी दोषी दे रहे हैं, क्योंकि जो है कि आप लोगों के माध्यम से मीडिया चैनल के माध्यम से आज 2 महीने से जो है कि वायरल हो रहा है, लेकिन क्या योगी जी को नहीं पता है? तो इसलिए हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं और अपनी समस्या बताएंगे, और पूरी उम्मीद रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन ये समय नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है कि पुलिस प्रशासन गाजीपुर का पूरी तरह से अधर्म पर उतारू है, सिर्फ हमारे पीछे पड़ा है। कभी भी आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी कोई घटना घट सकती है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करके कहते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि हमारे पीछे आप मत पड़िए, हमारा जो है कि हम अपने आप जो है कि स्वयं जब इच्छा बनेगी लखनऊ पहुँचेंगे, और आप लोगों की जो है कि जो स्थिति है गाजीपुर की हम बताएंगे। और जो है कि लखनऊ पार्क का जो है कि कसाई कह रहा था कि आपको जो है कि कोर्ट में चले जाइए, अरे अब किस शब्द से कहें अधर्मियों, हम कोर्ट में क्यों जाएं? हम पूरा जो है कि जिला में, पूरा जो है कि प्रदेश में, पूरा जो है कि भारत में, यहाँ तक कि जो है कि संसद भवन तक पहुँच करके अपनी समस्या का जो है कि कष्ट जो है कि अपनी बताएंगे समस्या, ताकि जो है कि इस तुम लोगों की काली करतूत, पुलिस प्रशासन इस तुम लोगों की काली करतूत पूरा देश देखेगा, निश्चित रूप से देखेगा। भैया देखिए, यही है पुलिस प्रशासन और पीड़ित परिवार, ये गरीब परिवार है, आज इसकी व्यथा ऐसी है, और नहीं तो शर्म नहीं इन लोगों को आ रहा है, बोल रहा है कोर्ट में चले जाइए। इतना एक्टिव अगर कहाँ से हो गई भैया, इतना अगर कर रहे हो तो मदद करके लड़कों को ढूंढ न देते। अब देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन अम्मा से कहेंगे, अम्मा क्या कहना चाहेंगी? आज तो दीपावली है, मेरे पास वो शब्द नहीं है, क्या कहना चाहेंगी आप ये बताइए? दीपावली है, सब अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मना रहे, हमारे भी बच्चे रहते तो हम भी खुशी अपने बच्चों के साथ मनाते, लेकिन बच्चे नहीं तो हम खुशियाँ किस लिए मनाएं? इसलिए हम खुशियाँ नहीं मनाना चाहते हैं, हमारे लिए दीपावली खुशियाँ नहीं है। अम्मा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या विनती करना चाहती हैं? विनती यही करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द बरामद की जाए। जी भैया देखिए, एक पीड़ा ये माँ की है जिसके लाल 8 जुलाई से गायब हो गए हों, अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कृत कर लिया गया हो, वो भी नामजद हों, लेकिन शर्म इस बात की हो रही है, शर्म आ रही है, और गाजीपुर पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में इसलिए आ रही है कि जा करके हनुमान प्रजापति को तुम भैया लखनऊ से ला सकते हो, और अपहरणकर्ताओं का नामजद होने के बावजूद 8 जुलाई को इन्होंने एप्लीकेशन दिया बताया, लेकिन 2 महीने बाद जा करके FIR दर्ज किया जाता है, वो भी गुमशुदगी का।
बाहरे यहाँ का सिस्टम, बाहरे यहाँ का न्याय प्रशासन। आशा करता हूँ ईश्वर से मैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ जहाँ पर भी इनके बच्चे होंगे सही सलामत रहें, एक दिन न एक दिन सकुशल आएँ, यही हमारी विनती है। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।